नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुर दर्शन और मैं हूं राजेश तिवारी। जहां एक तरफ एनआरसी और सीए के विरोध में पूरे भारत में कई जगहों पर आंदोलन की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने महिला कॉलेज के सभागार में एक गोष्ठी का आयोजन किया और इस गोष्ठी के माध्यम से एनआरसी और सीए के समर्थन में अपने विचार व्यक्त किए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने का कहना है कि केंद्र सरकार देश हित में एनआरसी और सीए का बिल लागू किया है। अब अपने अधिकारों की बात की है तो दर्द होने लगा है। दर्द होगा और भी होगा, दवाई कड़वी है, इलाज भी बड़ी सख्ती से हो रहा है। और अंग ये पाकिस्तान का था, लेकिन भारत का था जो पाकिस्तान ने पाया है, लेकिन सर पे अंग को कब तक किसने गले लगाया है। तो हम दे चुके हैं आपको, आपके धर्म के नाम पे यहाँ रहना होगा। देश यहाँ से तकलीफ है तो चले जाइए। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्ति मैम। पूर्ति मैम के लिए मैं कहना चाहूंगी, फूल लाइक सर को मंच पर आमंत्रित करूंगी, वो आए और दो शब्द बोले। मैं विशेष से बात करूंगा, आज हमारी मुख्य वक्ता हैं प्रांत मंत्री सुश्री लक्ष्मी जी। वे विस्तार से बताएंगी कि सीए क्या है और हम उसका समर्थन कैसे करें, अपने समाज में, अपने परिवार में इसकी चर्चा किस प्रकार करें ताकि ये सफलीभूत हो। आज हम सीएए पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सीएए पर इतनी चर्चा हो चुकी है पिछले लगातार दो महीनों से, इसके समर्थन में, इसके विरोध में इतनी चर्चाएं हो चुकी है, इतने लोग सड़कों पर आ चुके हैं कि हर बच्चा बच्चा अब ये जान चुका है कि सीए क्या है। लेकिन विरोध क्यों हो रहा है ये अभी तक किसी को पता नहीं है। चाहे वो विरोध करने वाले से पूछिए, चाहे कोई हो विरोध करने वाला, जो आगजनी कर रहा है वो भी, या दो महीने से जो शाहीन बाग की चर्चा सब जगह है, सर ने भी किया, वहां बैठी हुई महिलाओं से पूछिए, उनसे भी, या टीवी के डिबेट्स पर जो दोनों पक्ष के लोग आ रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं उस पक्ष के लोगों को भी, क्यों विरोध कर रहे हैं, किस इशू पर विरोध कर रहे हैं, हमको आज तक किसी ने नहीं, हम लगातार हम भी चैनल और टीवी देख रहे हैं, कोई ये नहीं बताया कि विरोध क्यों कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं उसके लिए कारण, सबका अलग अलग कारण है विरोध करने का। कोई कह रहा है कि हमको इस देश से निकाल दिया जाएगा, इसलिए हम सड़क पर हैं, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। किसी के विरोध करने का कारण है कि हमसे कागज मांगा जाएगा, वैसे चलाएंगे, अभी तो ये छोटी सी झांकी है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप इस देश के नहीं हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि आप इस देश के नहीं हैं। आप आक्रमण करके आए थे, इतिहास के जो बच्चे हैं वो अच्छे से जान रहे होंगे, ये आपका देश नहीं है। तो आपको बहुत सरल हो जाता है कहना कि भारत माँ तेरे टुकड़े होंगे। तो आप इस देश के नहीं है, ये भारत भूमि आपकी नहीं है, तो आप इस धरती का सम्मान ही नहीं कर सकते और आप इस धरती पे रहने लायक भी नहीं है। आपको सब्सिडी चाहिए, हम जो नौकरी करते हैं, टैक्स देते हैं, उसे सब्सिडी चाहिए और फिर पत्थर मारेंगे आप। वाह क्या बात है। और फिर कहते अज्ञात लोगों ने पत्थर मारा, अज्ञात लोगों ने ऐसा किया। और कपिल मिश्रा जरा सा कुछ बोल देते हैं तो नाम आ जाता है, साम्प्रदायिक भाषण दे दिया। आप लोग बोलिए और वैसे जी बोले तो कोई दिक्कत नहीं है,
कहते हैं 14 करोड़ 80 करोड़ तो मारे जा रहे, हिम्मत है तो मार के दिखाइए, एक मारेंगे तो 10 मार खाएंगे। ये आरक्षण कार्यकर्ताओं के द्वारा, जैसे कि अपने पीछे देख रहे हैं बैनर पे, प्रदेश मंत्री का उन्होंने अभिनंदन समारोह रखा है, साथ में ही सीए पर जो हमारी छात्रों के साथ एक चर्चा रखी गई है और छात्रों को ये दिखाया जा रहा है कि जो विद्यार्थी परिषद है ये एक ऐसा संगठन है जो कि छात्र ही नहीं बल्कि छात्राओं को भी हमेशा आगे आने का काम करता है। और अभी आप देख सकते हैं कि एक कोई भी कार्यकर्ता, वो या चाहे गांव से आता हो या शहर से आता हो, वो कहीं का भी हो, जैसे मेरा ही है कि मैं छोटे से गांव से आती हूँ, विद्यार्थी परिषद में ये एक खूबी है कि कार्यकर्ता को, हर कार्यकर्ता को एक तरह सम्मान देती है, वो छात्र हो छात्रा हो कोई भी हो। और साथ ही इस बार विद्यार्थी परिषद ने नया पहल किया है, पहली बार छात्रा को प्रदेश मंत्री का दायित्व दिया गया है, तो ये एक सभी के लिए बहुत बड़ी बात है कि जो छात्र संगठन है उसमें छात्राओं की भूमिका एकदम बराबर में चल रही है। अभी आप यहाँ पे देखिए, सामने जो कार्यक्रम चल रहा था वहाँ छात्र छात्राएं दोनों एक साथ सब सहभाग ले रहे थे और आपने देखा कि छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक थी। ये एक विद्यार्थी परिषद में देखने को मिलता है कि ये केवल राष्ट्र के लिए काम करता है, देशभक्ति के लिए काम करता है। और आज जो सीए पर चर्चा रखी गई थी, उस चर्चा में ये बताया गया कि सीए हमारे लिए या हमारे देश के लिए किसी भी नुकसान का कारण नहीं है और हम इसका समर्थन करते हैं, पूरी तरह समर्थन करते हैं। और अभी जो दंगे हो रहे हैं, जो हर जगह आपने दिल्ली में देख रहे हैं क्या चल रही है, इसमें विद्यार्थी परिषद का ये सोच है हम इसका समर्थन करते हैं और जो दंगे कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उनको खुद नहीं पता कि वो क्यों विरोध कर रहे हैं। बस ये देश में अराजकता फैलाई जा रही है, भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है और कोई इसका मतलब नहीं है। आज का हमारा कार्यक्रम छात्र छात्राओं को में एक समानता और साथ ही सीए पर एक चर्चा रखी गई है छात्र छात्राओं के बीच।